दोस्तों जीवन है तो समस्याएं बहुत सारी होंगी और समस्या है तो हल भी होगा। कठिनाइयां और समस्याएं सिर्फ कमज़ोर को कमज़ोर बनाने आती हैं और उन्हीं को दबा भी पाती हैं, लेकिन जो मजबूती के साथ उनके सामने खड़ा रहता है ना, वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। एक छोटा सा बदलाव हमारी पूरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। किसी ने क्या खूब लिखा भी है कि आदमी आदतें बनाता है और आदतें इंसान। हम कभी भी अपना भविष्य नहीं बना सकते, हम केवल अपनी आदतें आज बना सकते हैं और यही आदतें हमारा भविष्य। अक्सर सफलता उन्हीं को करने से मिलती है, उन्हीं कामों को जिन्हें करना हमें अच्छा ही नहीं लगता। बचपन याद है, मुझे आज भी याद है, स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन भविष्य वही था स्कूल में। सफलता घर बैठे नहीं मिल सकती थी, पर अच्छा नहीं लगता था जाना। दोस्तों हमारे सभी सपनों को ख़त्म करने वाला शब्द है आलस। इसी आलस के कारण खरगोश जैसा दौड़ने में तेज जानवर कछुए से दौड़ हार जाता है। दौड़ना जिसकी मजबूती है वो रेंगकर चलने वाले कछुए से ही हार जाता है। सोचता है कि चलो थोड़ा आराम कर ले, कछुआ तो अभी बहुत दूर है, और सब बदल जाता है। प्रकृति में वो सब कुछ है जो हम सोच सकते हैं, और वो सब कुछ भी है जो हम नहीं सोच सकते। पर जो कर्म नहीं करना चाहता, उसके लिए इस पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है, वह खुद भी नहीं है। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जनेंद्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़कम। मैं हूँ आपकी दोस्त जागृति, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस नए सफर में। हमने शुरू की है 75 डेज की एक बेहतरीन यात्रा। बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी भी इसका एक हिस्सा बनते हैं और ये कमेंट करते हैं कि आप सभी ने भी ये की शुरुआत करी है। आज है हमारी 75 डेज की जर्नी का 7वां दिन। हम हर रोज़ अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हम 5 चीज़ों पर काम करते हैं, जिसमें आता है कंसिस्टेंसी, पॉजिटिविटी, सेल्फ कंट्रोल, फोकस और डिसिप्लिन। इससे इतर भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस यात्रा में, और आशा करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार भी बहुत कुछ हर रोज़ सीख रहा होगा, आगे बढ़ रहा होगा, पॉजिटिव है और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहा होगा, खुद से जीत रहा होगा। सुबह बज रहे थे अभी 8:30, और सब कुछ आज हो गया था बहुत जल्दी। आज सुबह ही ना एक बहुत ही दुखद समाचार मिलता है। हमारे नाना, हमारे मौसी जी के ससुर जी थे वो, उनकी आज डेथ हो गई थी सुबह। तो मम्मी और पापा सुबह ही वहीं निकल गए थे 6:30 बजे, और जब सुबह की रीडिंग हमारी कंप्लीट हो गई थी तो उसके बाद आज समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए, क्योंकि खाना तो बनना था नहीं। मन भी हमारा थोड़ा उदास हो जाता है जब हम ऐसी कोई घटना सुनते हैं। फिर सारा किचन का काम ही सामने दिख रहा था, हुआ कि खाना नहीं बनाना है लेकिन सारी काम तो करने ही है घर के, तो बस साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बाल आज धोना था तो हमने नहा भी लिया, और फिर खाना तो कुछ बनाना नहीं था लेकिन आदू को दवाई खिलाना ज़रूरी था, इसके लिए हमने नाश्ता बनाया उपमा, जो कि आदू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन हमारे पास यही ऑप्शन था, हमने उपमा बनाया और फिर हम आ गए नीचे। आदू के कारण बन भी गया और नाश्ता हमने भी कर लिया, नहीं तो आज कुछ मन ही नहीं हो रहा था। बस हो रहा था कि सारा काम ख़त्म करके नहा धो के बस आज पढ़ने ही बैठ जाते हैं, और यही सोच से फटाफट से काम किया। और फिर जब अभी आए पढ़ने के लिए रूम में, तो पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा था पढ़ने का। सामने हमें दिख रही थी विंग्स ऑफ फायर, ये हिंदी बुक है, हमने यही उठाई, थोड़ी देर हमने इसकी रीडिंग करी, 1-2 पन्ना पढ़ा होगा क्योंकि मन तो हमारा इसमें भी नहीं लग रहा था। फिर सामने लिखी हुई अपनी बातें याद आती है, जो हमने 5 प्रिंसिपल अपने लिखे हैं इन 75 डेज़ में फॉलो करने के लिए, वो बातें याद आती हैं, वो डिसीज़न याद आता है, वो दिन याद आता है जब हमने ये 75 डेज़ की एक जर्नी शुरू करी थी, और जो अपने आप से वादा किया था। यदि हम अपने आप से किया हुआ वादा भी नहीं पूरा कर सकते तो फिर हम क्या ही ज़िंदगी में कर सकते हैं। ये बात मैंने वहाँ पर लिख भी दी जो मेरे दिल में आई, ताकि मैं दोबारा कभी ये गलती ना दोहराऊँ। अब बच चुके थे 9:15, और समय था फिक्स करने का हमारा आज का पूरा दिन शेड्यूल क्या रहने वाला है, क्योंकि सुबह का समय हमने रिवीजन को दिया था, और अब समय था पूरा दिन डिसाइड करने का। आज हमारा जो दिन है उसके हिसाब से हमारा जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो तो NIOS रहेगा सबसे पहले, इंग्लिश वोकैबुलरी रहेगी, हमारी मैथ्स रहेगी और हिंदी रहेगी। जब हमारा मन ना हो ना, फिर भी हमें वो काम करना है, ये बात हमें सिखाएगा अनुशासित रहना, डिसिप्लिन में रहना। सबसे पहले हमने शुरुआत करी इंग्लिश वोकैबुलरी की, जो कि हमारा परम कर्तव्य है हर दिन का, आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक या 1 घंटे तक, जैसा हमारे पास समय हो, हमें हर रोज़ इंग्लिश वोकैबुलरी को देना है। हर रोज़ हम वोकैब के अलग अलग सेक्शन तैयार करते हैं, और आज हम सिनोनिम तैयार करने वाले हैं कुछ वर्ड्स के, उनके कुछ हिंट्स और निमोनिक्स की हेल्प से। जैसा कि हम इस PDF में भी देख सकते हैं कि काफ़ी हेल्पफुल तरीके से यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, ताकि हम वर्ड को अच्छे से याद कर पाएँ। जो वर्ड है उसका एक हिंट दिया हुआ है कि हम उसे कैसे लर्न कर सकते हैं अच्छे से कनेक्ट करके।
ये जो PDF है ये तरुण ग्रोवर सर ने प्रोवाइड कराया था अपने टेलीग्राम चैनल पर, उनका यूट्यूब चैनल है, मैं उन्हें फॉलो करती हूँ। मेरे पास कोई स्पेशली बुक नहीं है इंग्लिश की, वो कैप की PDFs हैं। करियर वेल पर बैच लिया था तो वहाँ पर जो PDF प्रोवाइड किया गया था, और ये तरुण ग्रोवर सर का जो PDF है, इन दोनों से मैं तैयार करती हूँ। साथ में PYQs जो मेरे पास है DDPSSBPRT की बुक लेने को मैंने सोचा है, लेकिन पहले मैं ये सोचती हूँ कि जो मेरे पास मटेरियल है उनसे अभी जितना पढ़ते बन रहा है, जितना निकालते बन रहा है निकाल लूँ। नहीं तो किताबें हम बहुत सारी खरीद के रख लेते हैं लेकिन फिर हम उन्हें पढ़ नहीं पाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास जो मटेरियल है जो कि बैच से मिला था और जो यहाँ सर से मिला है, पहले उनको तैयार करती हूँ मैं, इसके बाद फिर बुक लेना है मुझे। नीतू मैम का मैं बुक ज़रूर लूँगी, लेकिन अभी इनको तैयार कर लेने के बाद 45 मिनट लगभग हमने दिया अपने वोकैब को, जिसमें हमने लर्न करे 10 वर्ड और उनके कुछ सिनोनिम्स। फिर इसके बाद हमने 2 घंटे का अपना स्लॉट और अलार्म फिक्स किया अपनी NIOS रीडिंग के लिए। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिनका मैं पूरा कोशिश करती हूँ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने का, लेकिन कुछ चीज़ों का वहाँ पर रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि अपने वीडियोस के माध्यम से मैं उन सभी बातों को आप सभी से कर पाऊँ। सबसे ज़्यादा सवाल आजकल आ रहे हैं सीरेट एग्जामिनेशन को लेकर के, जो कि अभी जुलाई में होने वाला है। चूँकि मैंने कई बार इस विषय पर बात करी है, कई सारे वीडियोज़ बनाए हैं, अपनी पूरी जर्नी शेयर करी है कि मैंने कैसे खुद से प्रिपरेशन किया था, उन सभी वीडियोस को आप देखिएगा। आई बटन पर वीडियो के लास्ट में लिंक शेयर कर दी है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा क्लियर हो गया था। फर्स्ट पेपर में 115 नंबर थे और सेकंड में 106। मेरा सब्जेक्ट मैथ और साइंस था। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि हम सभी बहुत मेहनती हैं, हम सभी बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है ये जानना, ये समझना कि क्या हमारा मेहनत सही दिशा में है। पहली बात तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये एग्ज़ाम हमसे क्या चाहता है, और सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात ये भी है कि पॉजिटिव हम कितने ज़्यादा हैं अपने लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए, हमें अपने ऊपर विश्वास कितना है। इस एक महीने में ना जितना एग्ज़ाम में हमारा दिन रह गया है, बस पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव बिल्कुल भी ना सोचिए कि मेरा नहीं निकल रहा, सबका हो गया, सब मेरा कितना मजाक बना रहे हैं। अपने आप को हीन नहीं समझना है, सबके साथ होता है ये सब कुछ ना, सबके साथ होता है, लेकिन इस बात से हमें खुद को कमज़ोर नहीं मजबूत बनाना सीखना है। मौका हमें ही तो यही मिला है बेस्ट अपने आप को साबित करने का, तो अपने आप से हमें प्यार करना है और विश्वास भी रखना है कि हम कर लेंगे, मेहनत लगेगी पर हम कर लेंगे। सीटेट यदि कई अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हो रहा है तो इसका कारण है अभी तक हमने शायद एग्ज़ाम को ठीक से नहीं समझा, अभी हमने ये नहीं जान पाया कि हमारा वीक पॉइंट क्या है, कहाँ हमसे कमी रह जा रही है, हमने ये नहीं जाना है। एक महीना हमारे पास अभी भी है, हम अभी भी ये जान सकते हैं। सीटेट एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, वो हमसे हर सब्जेक्ट में महारत हासिल हो ऐसा नहीं चाह रहा है, वो हमसे ये चाह रहा है कि हमें हर एक सब्जेक्ट का एक बेसिक समझ हो, क्योंकि हम टीचर बनेंगे, एक बच्चे को पढ़ाने के लिए हम कैसी अप्रोच को रखेंगे, हम कैसे एक शिक्षक के रूप में सही निर्णय लेंगे, ये उसे जांचता है, जिसके लिए वो हमारी बराबर मात्रा में पेडागॉजिकल अप्रोच का टेस्ट लेता है, और हम देखेंगे तो उसी बराबर मात्रा में वो हमारे सब्जेक्ट का भी टेस्ट लेता है। अब यहाँ पर हमारी बारी आती है अपने आप को तैयार करने की। यदि हमें अभी भी लगता है हमारा नहीं क्लियर हो रहा है, बहुत सारी कमियाँ हैं, तो अच्छा अवसर है अभी भी हमें अपनी कमियों को ढूंढने का। हम ऐसा कर सकते हैं कि आज अभी ही एक ना पेपर उठाते हैं सीटेट का, प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर उठाते हैं, और ईमानदारी के साथ परीक्षा देते हैं, अपना आकलन करते हैं कि किसमें नंबर कम है और कौन सा पार्ट कमज़ोर है, नंबर कहाँ कम उठ रहे हैं। जिसमें नंबर सही आ रहे हैं वो तो मजबूती है हमारी, वो हम जान गए। अब क्या करना है, हमें अपनी मजबूत विषय को रिवाइज करना है और प्रैक्टिस कर लेना है, लेकिन जो कमज़ोर है उस पर काम करना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो या पेडागॉजी हो, लेकिन साथ में अभ्यास बहुत ज़रूरी है। और प्रीवियस ईयर से बेस्ट सीटेट के लिए मॉक हो ही नहीं सकता कोई, उससे अच्छा अभ्यास कोई हो ही नहीं सकता। फिलहाल हम हैं अभी बनारस, हम आए थे यादों की थेरेपी के लिए। अब टीचर कौन से होंगे, क्या हमारे सोर्सेस रहने वाले, ये सारा कुछ बात हमने पहले भी किया हुआ है, जिन वीडियोस का हमने लिंक शेयर करा है उसमें भी सब कुछ हमने डिटेल में बात किया हुआ है। मैंने तो सारा हिमांशी मैम, सचिन सर, NCERT बुक से कवर किया था, जहाँ जिसका ज़रूरत पड़ा, सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, चाहे वो हिमांशी मैम हो चाहे वो सचिन सर हो, हमें किसका समझ में अच्छा आता है, हमें किससे अच्छा लगता है ज़्यादा पढ़ना, वो हम पर निर्भर करता है। मैंने दोनों लोगों से कवर किया था, जहाँ जिसका अच्छा लगा था, जहाँ जिसने बहुत अच्छे से समझाया हुआ था। बाकी अभी हम आ चुके हैं हॉस्पिटल से घर पर, अभी बज चुके हैं रात के 8:30 बज रहे थे,
पापा मम्मी आ गए थे शाम तक 4:30-5 बजे तक, और फिर आज आदू की थेरेपी का अपॉइंटमेंट था तो हम लोग आ गए थे डॉक्टर के यहाँ क्लिनिक पर। 1.5-2 घंटे वहाँ भी लगे थे, फिर हम घर पर आए और आज खाना तो बनाना नहीं था तो बस फलाहारी सबके लिए बनाना था, आलू तला था सबके लिए, सबने भी खाया, हमने भी थोड़ा खाया और नीचे आ गए थे। मैथ्स हमारा रह गया था आज पूरे दिन का, जो हमारा टारगेट था उसमें, तो मैथ्स की अब बारी आती है उसे कवर करने की। मैथ्स हमेशा मुझे सुकून से पढ़ने का मन करता है क्योंकि इसमें समय अच्छा खासा जाता है, और जब सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं ना तो उनका टेंशन फिर नहीं रह जाता है, फिर होता है कि अब सारा समय मैथ्स को ही जाएगा। आज वैसे हमने मैथ्स का ना इधर भी नया चैप्टर शुरुआत किया था, औसत एवरेज का, तो उसी की कुछ क्लासेस थी जो कि आदित्य सर से मैं यूट्यूब पर कर रही थी। आज मैंने 2-3 वीडियो देखी थी उनकी क्लासेस की, और साथ में अब जो पहले किया हुआ था उनका क्लास तो उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर DTPSSB एग्ज़ाम में पूछा गया है वो सारा अभी प्रैक्टिस बस कर रही थी, क्योंकि जिस समय हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं उसी समय यदि ये प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें ये पता बिल्कुल अच्छे से चल जाता है कि हम सही दिशा में हैं, साथ में अभ्यास भी हो जाता है। बाकी चलिए अपने आज के सफ़र को भी बस इन कुछ बातों के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में, जो होता है अच्छे के लिए होता है।